हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए थर्ड पार्टी की रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, किसी भी तरह की थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है और आपके पर्सन और आपके बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी, मेरे व्यूवर्स, कलेक्टिव एनर्जी, जिनके भी पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चल रहा है उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक। एस ऑफ सोर्ड्स द फूल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स द चैरियट, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स। ओके, कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी यहाँ पर। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? ओके, चैरियट का कार्ड क्यों आया है? ओके, डेविल भी बाहर आ रहा है, इसे भी लेंगे। टू ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं कुछ कार्ड्स को, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे कि कर लेना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, ठीक है, पहली बात थर्ड पार्टी क्या क्या दिख रही है वो मैं बता दूँ। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है, ठीक है, या अगर आपको लगता है कि उनके लाइफ में कोई नहीं है बट पैसों की दिक्कत है जिस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या अगर आपको लगता है कि उनके लाइफ में और कोई नहीं है बट यहाँ पर फैमिली की वजह से, अपनों की वजह से कोई उन्हें भड़का रहा है, उसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई लीगल केस चल रहा है, मे बी उनके लाइफ में कोई लीगल केस चल रहा है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आपके और उनके बीच में अगर कोर्ट है या कोई कार्मिक सिचुएशंस है, तो वो थर्ड पार्टी हो सकती है। या लास्ट वन, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं या झगड़ा लड़ाई हुआ है बेसलेस टॉपिक पर, कोई थर्ड पार्टी नहीं है लेकिन आपके पार्टनर खुद आपसे लड़े हैं, खुद आपको डांटे हैं, खुद आपको ब्लॉक किए हैं, गुस्से में किए हैं, या शक्की हैं बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो ये सारी थर्ड पार्टी यहाँ निकल कर आई है। ठीक है, थर्ड पार्टी, लीगल मैटर, ऑप्शंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज़, कल्चर कास्ट इश्यूज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इनका खुद का बिहेवियर। ठीक, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर कमिटमेंट से भाग ज़रूर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं कमिटमेंट के नाम पर, लेकिन लव आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एंजल्स की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के ऊपर। कुछ लोगों के पार्टनर हेल्थ इश्यूज़ से भी परेशान हैं जिस वजह से हो सकता है आपसे डिस्टेंस में हो, लेकिन ये आपकी तरफ जेस्चर करना चाहते हैं, आपको किसी तरह का गिफ्ट देना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपकी तरफ ही सक्सेस चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं अगर अपने लाइफ में फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना है तो।
क्लियर कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, द फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग भी आपके साथ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर भाग रहे हैं ज़रूर परेशानियों की वजह से, लेकिन ये चाहते हैं आपके तरफ बढ़ना। देखते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं और फिर हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी जो भी है वो कब ख़त्म होगी। ठीक है, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिमाग में क्या है आपको लेकर, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके दिमाग में, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें। वही सेम कार्ड्स आए हैं आपके लिए, एक्शन लेना चाहते हैं, कंफ्यूजन है। ओके, जो कार्ड्स हमें मिले हैं वो देखते हैं। द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी पावर में हैं, अपनी पावर में आके आपको लेकर बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन, कोई एक्शन लेते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अभी करंट एनर्जी में भी आया था सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर भी आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये आपको अपने इमोशंस बताना चाहते हैं। क्विकली नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्विकली आपको मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है। यहाँ पर क्वीन किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं, पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं उससे बाहर निकलने के लिए। जहाँ भी हैंग्ड हैं, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी की रीडिंग है तो ये हैंग्ड ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में वो हैंग्ड हैं जहाँ से वो निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी पुराना आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है, काफ़ी टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, काफ़ी टाइम इन्होंने इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में। अब जजमेंट का टाइम आ रहा है, बहुत जल्द आपकी तरफ जजमेंट होगा। जस्टिस का कार्ड आया था इसके पहले करंट एनर्जी में और यहाँ से जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब आपको ये एक डिसीजन पे आना चाहते हैं, आपको लेकर एक फुल एंड फाइनल स्टेप लेना चाहते हैं, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो लेट्स चेक कि थर्ड पार्टी आपके लाइफ में जो भी है, जो भी थर्ड पार्टी है, क्या वो निकलेगी, क्या आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन होगा आपके पार्टनर का, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी व्यूवर्स के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिन भी व्यूवर्स के लाइफ में सेपरेशन है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, क्या उनके लाइफ से थर्ड पार्टी का टेंशन ख़त्म होगा? मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या निकलेंगे थर्ड पार्टी से बाहर? यस, फर्स्ट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगिनिंग, बट ये अभी बॉटम नहीं है क्योंकि अभी मैंने शुरू किया है। डिसरप्शन का कार्ड है, सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, सिक्स ऑफ कप्स, स्टैंड योर ग्राउंड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स अगेन तीसरी बार आया है, तीनों डेक में आ चुका, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ यहाँ पर ब्रेकअप और टावर मोमेंट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है,
चाहे ट्रेडिशंस हो, चाहे मैरिड हो, चाहे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आप अपनी सिचुएशन जानते हैं, उससे रेजोनेट करिए रीडिंग को। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है विद टावर विद द हेरोफेंट, मतलब कि ये रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर अगर ये खुद स्टेप नहीं लेते हैं तो अगर आप सोल जर्नी में हैं या कोई कनेक्शन है आपका इनके साथ, तो यहाँ पर कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स एंड हो सकते हैं। कार्मा इनका किसी के साथ रिलीज़ कर सकते हैं क्योंकि टावर का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर 6-6 आया है, 6-6। तो यहाँ पर 6 मंथ के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी के साथ हैं वो रिलीज़ हो सकते हैं। चाहे आप मैरिड कपल हो, आपके हस्बैंड या वाइफ किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या आप अनमैरिड कपल हो, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं थर्ड पार्टी को लेकर, तो आपके पार्टनर और आपके बीच में 6 वीक्स या 6 मंथ के अंदर, कुछ लोग लकी वन होंगे जो 6 डेज में भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी है तो ऐसे हवा तो है नहीं कि बस गायब हो जाएगी 6 मिनट में, ऑब्वियसली वक्त लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको मिनिमम 6 वीक्स, मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम दे रही हूँ। थर्ड पार्टी जो भी है आपके लाइफ में वो रिलीज़ होते हुए दिख रही है, ठीक है। ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है थर्ड पार्टी के साथ। मैरिज का कार्ड आया है, आपसे शादी करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, सक्सेस चाहते हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। आने वाले टाइम में मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, नेक्स्ट एक्शन में विक्ट्री एंड सक्सेस क्यों आया है, यूनिवर्स बहुत सारे हैं। एक और कार्ड चाहिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यूनिवर्स की मर्जी है तो कोई क्या कर सकता है। यूनिवर्स चाहती है आपका यूनियन हो, यूनिवर्स चाहती है आपको आपके पार्टनर के साथ सक्सेस मिले, यूनिवर्स चाहती है कि जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आने से पहले इस धरती पर वो पूरा करें। कुछ आपको बड़े काम करने पड़ सकते हैं, कुछ आपका सोल पर्पस हो सकता है, तो यहाँ पर यूनिवर्स जो चाहती है वो तो कराएगी ही। तो सक्सेस का कार्ड आपके लिए आया है डेफिनेटली, इसके बाद मैं कुछ क्लैरिफाई नहीं करूँगी। फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है टेम्पटेशन, अगर मैरिड हैं आप में से कुछ लोगों के लोग और थर्ड पार्टी में हैं तो वहाँ से डिस्टेंस बना सकते हैं, या उनके बारे में कोई सच्चाई सामने आ सकती है। आपके यूनियन के लिए कोई ना कोई रीज़न या कोई ना कोई बहाने यूनिवर्स तलाश सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके बाद थर्ड पार्टी जो भी है आपके लाइफ से वो एंड होगी। लेकिन ये डेस्टिन्ड है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की वजह से एंड होगी। डेस्टिनी में जो लिखा होता है वही धरती पर होता है, तो डेस्टिन्ड जो होगा वही आपके डिवाइन टाइमिंग पर आपके सामने आएगा, ठीक है। तो 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, 6 वीक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले 6 हफ्ते। सो देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट गाइडेंस है हेल्पफुल पीपल, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको धोखा न दें। रोमांस इन द नियर फ्यूचर, रिकवरी, इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ का ध्यान रखें। रिकवरी होते हुए दिख रही है आने वाले टाइम में, एक रोमांटिक न्यू साइकिल बिगन होते हुए दिख रही है इन द नियर फ्यूचर। रिकवरी, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं आने वाले टाइम में रिकवरी होते हुए दिख रही है। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको इस रीडिंग से थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, आपकी तरफ क्या होगा, थर्ड पार्टी कब जाएगी, आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। रीडिंग अगर आपकी करंट सिचुएशन से रेजोनेट हुई हो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।